पुलिस क्यों? मिसेस देवंती मेहता से हमें पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? इंस्पेक्टर मैं उनका डॉक्टर, वो अभी किसी से नहीं मिल सकती क्योंकि उनकी तबीयत अभी पूरी तरह से सही नहीं है। ज्यादा नहीं, बस दो मिनट चाहिए, एक दो सवाल पूछ रहे हैं बस उनसे। अवनी, क्या क्या हुआ क्या बेटा? हमारे पास प्रूफ है मिसेस मेहता के खिलाफ, ये देखिए। ये उस दिन का फुटेज है जिस दिन आशा जी की मौत हुई। मिसेस मेहता के पिछले बयान के अनुसार वो हॉस्पिटल नहीं आई थी, लेकिन अब इस फुटेज से ये बात कंफर्म हो गई है कि वो हॉस्पिटल आई थी। इसमें डेट और टाइम भी है, देख लीजिए आप। इंस्पेक्टर को क्या डेट है, क्या एक बार फिर से मुझे बताएंगे? 30 दिसंबर। या श्योर, मिसेस मेहता मुझसे मिलने आई थी हॉस्पिटल में। वो अपना बीपी चेक कराने आई और मुझे अच्छी तरह याद है कि उनका बीपी बहुत बड़ा हुआ था और मैंने इसके लिए उन्हें कुछ मेडिसिन भी सजेशन की थी। क्या आप मुझे उनके विजिट के पेपर्स दिखा सकते हैं? जी जरूर, आप हॉस्पिटल आ जाइए, वहां पर सारे पेपर्स मौजूद हैं। तो मिसेस मेहता ने पहले झूठ क्यों कहा? आई थिंक वो श्योर नहीं थी कि उन्हें विदेशी दवाइयों से इलाज करवाना है या नहीं, इसलिए शायद वो किसी को बताना नहीं चाहती थी। आज रात तक सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास होने चाहिए डॉक्टर, मेक श्योर। ओके इंस्पेक्टर, अब आप मुझे प्लीज एक्सक्यूज कीजिए, मेरा पेशेंट को चेक करने का टाइम हो गया। सुनिए बेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना, दिल कभी छोटा नहीं करता। हमने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी। अवनी, लड्डू सिंह और बड़ा हो गया है ना नीला आंटी? सॉरी बाबा, सॉरी, हमेशा के लिए साथ रहना है तो कुछ पल अकेला रहना पड़ेगा ना। पर हर बार जब भी कोई सबूत मिलता है वही मिट जाता। हाँ बाबा हाँ, याद है मुझे मम्मा ने क्या बोला, भागते भागते अगर तुम 10 बार भी गिरो ना तब भी 11वीं बार फिर से उठो और भागो, याद है मुझे, ये मैं कभी हार नहीं मानती। उन्हें जितने सबूत मिटाने हैं मिटाए, फिर भी मैं कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही निकालूंगी। हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, मैं कबीर की पार्टनर अब नहीं बोल रही। हाँ जी जी, आपको कंसाइनमेंट कल वक्त पर पहुंच जाएगा। थैंक यू। अपनी? हाँ क्या बात है, कोई परेशानी? नहीं, ओहो कंसाइनमेंट तो कल ही डिलीवर करना है क्लाइंट, तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता।
और जिसे पता है अलाफी, उससे तो होश भी नहीं है। कैसे कहूँ कि मैं ये सब? मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नीला आंटी, आप यहीं पर रुकिए मेरे अमन के साथ। मुझे मिसेस डायमंड की मेहता की खबर आप देते रहिए। मुझे पक्का यकीन इस प्रोजेक्ट को लेकर वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेगी। आखिर उनको मेरी कंपनी के बारे में जो पता चल गया, और मैं नहीं चाहती इस बार वो जीते। किसी भी हाल में मुझे जीतना होगा और मैं जीत कर रहूंगी। वैसे भी वहां मेरे साथ नन्नो और अली दोनों होंगे मेरा ख्याल रखने के। आप टेंशन मत लीजिए। मम्मा का नाम जिंदा रखने के लिए ये मेरा उठाया हुआ पहला कदम, हमारी कंपनी का पहला बड़ा प्रोजेक्ट, और मैं इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। ठीक से देख, कहीं कुछ नंबर, कोई एड्रेस, कुछ तो होगा। वो सब तो नहीं है अपनी, पर बस एक जगह गोलगप्पे लिखा है। अरे हाँ, लगता है अलादीन को गोलगप्पे खाने। अली प्लीज, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। ऐसे वक्त पे तुझे ये सब सूझ रहा है? अभी बच्चे ये कंसाइनमेंट कब आ रहा है? कल सुबह नहीं, पर कहाँ कितने बजे पहुंचने वाला है सिर्फ अलादीन को पता। अलादीन कल रात से पहले उठेगा ही नहीं। चिंता मत करो ना, ये कंसाइनमेंट सुबह तक डिलीवर हो जाएगा। कल सुबह तक हमारे पास 6 घंटे, इन 6 घंटों में कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। मम्मी, तू इस कंसाइनमेंट पे इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही है? ये नहीं तो कोई और मिल जाएगा। अब तू सिर्फ दयावंती मेहता पे ध्यान दे, चल उनके खिलाफ प्रूफ ढूंढते हैं, चल। नहीं अली, ये कंसाइनमेंट सिर्फ एक कंसाइनमेंट नहीं, इस प्रोजेक्ट से मम्मा का नाम जुड़ा है। उन्होंने अपना घर गिरवी रखा है इसके लिए। ये कंसाइनमेंट डिलीवर नहीं हुई तो बदनामी की तो दूर की बात है, अनु और टीकू का घर चला जाएगा, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। नन्नू नहीं मोई बच्ची, इस बात की फिक्र तुम मत कर। अरे कोई इरादों पे ये क्या, ऐसे 10 घर कुर्बान। नहीं नन्नू, हमें आगे बहुत कुछ करना है, हम ऐसे पहले ही कदम में हार नहीं मान सकते।